उत्तराखंड में हुई तबाही को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। मौसम विभाग ने केदारनाथ यात्रा रोकने और लोगों को निकालने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में तबाही के 14 दिन बीत जाने के बाद भी मौत का आंकड़ा साफ नहीं हो पा रहा है। राज्य के विधानसभा स्पीकर के मुताबिक मरने वालों की तादाद 10,000 तक हो सकती है। उत्तराखंड में तबाही से मरने वालों की तादाद को लेकर सबके अलग अलग आंकड़े हैं। सीएम विजय बहुगुणा जहां 1,000 लोगों के मारे जाने की बात करते हैं, वहीं गृह मंत्री शिंदे का आंकड़ा 900 है। केदार घाटी में आई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञों का दावा है कि तबाही बादल फटने से नहीं बल्कि ग्लेशियर पिघलने से आए सैलाब की वजह से हुई है। जोशीमठ के भ्यूडार और पुलना गांव में बादल फटने से मची तबाही के बाद करीब 100 परिवार 13 दिन से बेघर हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इनका कोई सहारा नहीं मिल पाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 साल की एक बच्चा उफनती नदी के बीच में फंस गया। करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात और बचाव काम का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान बूथ समकक्ष विजय बहुगुणा से भी मुलाकात करेंगे। चारधाम की यात्रा पर गए पंजाब के बरनाला के 3 परिवार अभी भी लापता हैं। अपने परिजनों का इंतजार कर रहे इन लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। उत्तराखंड त्रासदी में रेस्क्यू के दौरान शहीद हुए एचईबीपी के जवान नंद राम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चमोली के उनके पैतृक गांव में उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। बलिया में आईटीबीपी के जवान संजीव कुमार का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। संजीव गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के जज पी सदशिवम अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी नियुक्ति पर मोहर लगा दी। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके चुनाव में हुए खर्च का हिसाब मांगा है। अगर आयोग मुंडे की बात से संतुष्ट नहीं हुआ तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल चुनावी खर्च को लेकर मुंडे से समर्थन में नजर आए। नरेश अग्रवाल ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने सच बयां किया है। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन से हड़कंप मच गया है। यहां पर 35 साल की एक महिला चाकू लेकर मोदी के ऑफिस में घुसाई। यूजीसी की गड़बड़ी से दिल्ली के हजारों छात्रों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अचानक सेंटर बदले जाने से कई छात्र एग्जाम नहीं दे पाए। गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरों ने कारोबारी के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की और कारोबारी और उसकी पत्नी को गोली मारकर फरार हो गए। हरियाणा के करनाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक कलयुगी मां ने अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची को जिंदा दफना दिया। बिहार में आरटीआई कार्यकर्ता मुश्किल में है। यहां करीब 350 आरटीआई कार्यकर्ताओं को मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व स्वास्थ्य और गृह सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजेश राजौरा के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इसे बदले की भावना से किया गया कार्रवाई बताया। आज से उत्तर रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हो गया है। इस साल रेलवे ने 42 नई ट्रेनें चलाई हैं।